चलिए सर, आज बनाएंगे हम लोग अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है जी। अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए मैंने बनाया था। अब इसमें क्या है, मेरे पास कुछ एम्प्लॉय कोड्स हैं, कुछ एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कोड्स हैं और उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम अटेंडेंस एंट्री के लिए बन जाए मेरा। ठीक है जी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, कि एक तो मुझे इसको कैलेंडर जैसा बनाना है, दूसरा वो मैनुअल मैं इसमें तिथि एंटर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि खाली छुट्टी एंटर कर दूँ और आज तक की पीपी अपने आप लगा दे, और उसकी अटेंडेंस जो शुरू होनी चाहिए वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होनी चाहिए। कहीं अगर हमारा सरकारी छुट्टी है तो वहाँ सरकारी छुट्टी आनी चाहिए, मतलब अलग कलर से दिखाना चाहिए, एच से दिखाए हॉलीडे, और जहां सैटरडे संडे है वहां वीकली ऑफ दिखाए। इस तरीके से कुछ बनाना। तो इसमें ले लेंगे हम मंथ और ईयर। सबसे पहले इसमें मुझे देना पड़ेंगे डेटा वैलिडेशन। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। क्योंकि उससे मैं डेट जनरेट कराऊंगा। तो लिस्ट कहाँ से आएगी, आप जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा के अंदर आपका डेटा वैलिडेशन है, यहां से लिस्ट चूज करेंगे और यहां पे इस तरह से नंबर दे देंगे एक महीनों के, महीने के लिए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे ओके करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। आपके जब भी एंट्री करेंगे वैल्यू देगा, इसके अलावा कुछ इसमें एंटर नहीं हो सकता। ठीक है जी। डेटा वैलिडेशन इसी तरह से ईयर डालने, मैंने डेटा में जाके यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से लिस्ट चूज कर लिया और इसी तरह से 2014, 15, 16 मैंने करके ये डाल दिया। ठीक है जी। जिसके रिजल्ट में मुझे ये मिल गई है हम लिस्ट। ठीक है जी। और मैं टाइटल भी डाल देता हूँ एक। अब टाइटल में मैं कंकैटिनेशन का वो करूंगा। मैंने क्या किया था कि बीच में आपको नंबर फॉर्मेटिंग बताई थी। नंबर फॉर्मेटिंग में या एक आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ कि हमारे पास एक डेट का फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर मैं ईयर मंथ वगैरह अलग अलग सप्लाई करूँ तो ये डेट बना के दे देता है। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको डेट में कन्वर्ट करूंगा, जिसमें ईयर मैं यहां से दे दूंगा, यहां पे दिखा रहा है ना ईयर मंथ के, मंथ में यहां से दे दूंगा। ठीक है जी। और डेट अपने मन से ही एक डाल देता हूं, क्योंकि मैं करने क्या जा रहा हूं, अभी तो ये डेट बन गई। ठीक है जी। डेट बन गई, डेट बन गई, डेट बन गई है। तो आप देखेंगे जैसे 1 मई 14, अब यहां से कोई भी बदलता हूं तो जुलाई आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, जो चूज कर रहा हूं वो बना दे रहा है, क्योंकि वो डेट के फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है मैंने। एक तारीख मैंने वैसे डाल दी है, क्योंकि तारीख मैं फॉर्मेट से अभी हटा दूंगा उसको। ठीक है जी। पहले मैंने डेट बना दिया, यहां से ईयर बना रहा हूं तो ईयर भी उसी तरह से दिखा रहा है। ठीक है जी। डेट के फॉर्मूले के अंदर पड़ा है, इस कारण ये जैसे ही वैल्यू यहां से चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इस रेफरेंस पे जैसे यहां वैल्यू चेंज होगी यहां अपने आप चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद इसको क्या करूंगा, एक टेक्स्ट के फॉर्मूले के अंदर डाल दूंगा। टेक्स्ट के फॉर्मूले में दो चीजें होती है, एक वैल्यू, एक होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में हम कस्टम फॉर्मेट देते हैं। तो मैंने बेसिकली दिखाना क्या है, यहाँ पूरा मंथ का नाम 4 बार M डाला और 4 डिजिट में ईयर। ठीक है जी। ये टेक्स्ट की तरह देते हैं हम इसमें, कस्टम फॉर्मेट कोई भी देना हो टेक्स्ट के फॉर्मूले में तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर देंगे या फॉर्मेट टेक्स्ट में। ठीक है जी। तो उसमें क्या करेगा, ये वैल्यू को उस हिसाब से बदल देगा। नवंबर 2014 दिखा रहा है डेट होने के कारण, तो जैसे ही मैं बदल रहा हूं ये मेरे को मंथ दिखा रहा है। अब मैंने सिर्फ एक चीज करनी है, कंकैटिनेट करना है, टाइटल लगा रहा हूं अभी मैं तो। कंकैटिनेट करने के लिए मेरा टेक्स्ट मुझे यहां से देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, और यहाँ कंकैटिनेशन का साइन लगाना पड़ेगा एंड का।
तो मैं इस पे लिखूंगा अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ करके मैंने कर दिया और कैटिनेट कर दिया ये फॉर्मूला, ठीक है जी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते टाइटल के हिसाब से आ जाए। तो जब मैं यहां से मंथ वगैरह अलग कर रहा हूं तो ये अपने आप ही टाइटल बदल रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑटोमेशन हो गया मेरा, ठीक है। अब सेकंड करते हैं कि यहां मुझे डेट लानी है इस हिसाब से, ठीक है जी। तो पहले जैसे मैं यहां पे डेट लाया हूं सेम ऐसे ही मैं यहां पे डेट लाऊंगा, ठीक है जी। ये जो डेट का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है इसको कॉपी करके मैं रख देता हूं यहां इधर, यहां से ये डेट का या दोबारा लगा ही देता हूं मैं कि डेट ईयर मैंने यहां से चूज कर दिया, कॉमा मंथ मैंने यहां से चूज कर दिया और डे दे दिया वन, एक से 30 तक एंड ऑफ डेट तक जाना चाहिए, यहां दे दिया। कस्टम फॉर्मेट से मैं एक चीज करूंगा कि देखिए यहाँ जगह तो है नहीं, मुझे इसको कैलेंडर टाइप में करना है तो जगह कम है, मैं खाली डे दिखाना चाहता हूँ। तो डे दिखाने के लिए मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और वहां क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा या डीडी कर दूंगा। डीडी डबल डिजिट में दिखाएगा, डी खाली सिंगल डिजिट में दिखाएगा। तो ये मेरा डेट आ गया, ठीक है जी। आगे की डेट मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट इसका भी सेम रहेगा, इनमें क्या कर दूंगा प्लस वन कर दूंगा, ठीक है जी। दो आ गया और इस फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया फुल मंथ की डेट आ गई। पर जनवरी में तो 31, ये यहां जो है ये जुलाई है, जुलाई है ना, जुलाई में तो 31 है, जून में कितनी होगी 30 होगी। अगली जो डेट जो आ गई वो आ गई जुलाई की, मैं चाहता हूं ये ना आए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए मिनिमम डेट तो आपके पास होती ही होती है 28 तक की, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 28 तो होगी होगी, उसके बाद 29 से चेक करना शुरू कर दे। हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ में हम स्टार्ट डेट डालते हैं। ये क्योंकि डेट फॉर्मेट में है, हमने खाली कस्टम फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग चेंज की है। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू क्या होता है, डेटा की रियलिटी चेंज नहीं होती, खाली विजिबिलिटी चेंज होती है, बट टेक्स्ट फॉर्मूले में रियलिटी भी चेंज हो जाती है, ये एज ए टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो यहां जो मैंने किया है इसमें रियलिटी चेंज नहीं हुई है। तो अगर मैं ईओ मंथ निकालना चाहूं तो स्टार्ट डेट दूंगा और यहाँ पे एक कॉमा करके मंथ मांगता है, यहाँ पे हमेशा जीरो दूंगा अगर मुझे उसी मंथ की चाहिए जिसकी मैंने डेट सिलेक्ट किया है। एक ही नहीं, कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कॉमा करके जीरो देंगे तो इस मंथ की आपको लास्ट डेट निकाल के दे देगा, ठीक है जी। ये बता रहा है 30, ठीक है जी, डेट ही पूरी निकाल के देगा, उसका फॉर्मेट मैटर नहीं करता क्या है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा जैसे 30 आया था ना। अगर मैं इसे डेट फॉर्मेट में करूँ तो 30 जून निकाल के देगा, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, या 28 ये 29 पे मैंने चेक करना है यहां पे कि इफ ये जो है ग्रेटर देन है ईओ मंथ, यहां स्टार्ट डेट डाली और जीरो डाल दिया, अगर इससे बड़ी होती है, अगर ये जो प्लस करने पर इससे बड़ी हो जाती है तो क्या करना है, ब्लैंक देना है, दो इन्वर्टेड कॉमा देने, बीच में कुछ नहीं देना, अदरवाइज क्या करना है, ये कैलकुलेशन जारी रखनी है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 31 तक, मैं इसे वहीं तक ड्रैग कर देता हूं, कर दी मैंने, ठीक है जी। अभी तो सही दिखा रहा है आपको और जुलाई में देखेंगे तो सही दिखाएगा, तो मान लीजिए फरवरी में आ जाइए एक बार,
फरवरी में यहाँ पे हैश दिखा रहा है, ठीक है जी। हैश क्यों दिखा रहा है देख लीजिए, एरर दिखा रहा है मतलब कुछ। अब एरर क्या दिखा रहा है इसमें देखिए, यहां तो ये इसमें प्लस करके ले रहा था, पर ये AF1 जो कि ये है जहां पे ब्लैंक है वहां पे वन प्लस करेगा तो ब्लैंक में प्लस वन करेगा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है जी। इसलिए वह एरर दिखा रहा है क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, तो प्लस वन कौन सी डेट में करे, ठीक है जी। इसलिए तो एरर के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, इफ एरर का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। इसी डेट से आप कर दीजिए इफ एरर, ठीक है जी। वैल्यू में पूरा का पूरा आ गया, और तो अगर एरर आती है तो इसको कर देना ब्लैंक, ठीक है जी। इसको आगे तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमें चाहिए, तो ये मेरा फॉर्मेटिंग हो गई है। अब देखते हैं इसमें करता क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो ताकि दिखाई दे। तो मैंने अप्रैल चूज किया तो 30 तक दिखा रहा है, जून चूज करूंगा 30 तक दिखा रहा है, जुलाई चूज अगस्त चूज करूंगा 31 तक दिखाएगा, और फरवरी अगर मैं चूज करूंगा तो 28 तक दिखाएगा। काम हो गया मेरा, कैलेंडर का इसने कर दिया। अब क्या करना है, इसके दिन भी दिखाने हैं मैंने यहाँ पे कि संडे था मंडे था कौन सा था। तो नीचे जो वैल्यू है वो डेट के ही फॉर्मेट में है, तो मैंने क्या करना है, एक टेक्स्ट का फॉर्मूला निकालना है, उसकी ओरिजिनलिटी चेंज करनी है ना। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू ले लूंगा और फॉर्मेट टेक्स्ट में कर दूंगा DDD एब्रीवेटेड डे नेम लिखा है, ठीक है जी। ये कर दिया मैंने, और यहां 31 तक खींच के ले गया। ठीक है जी, तो इसमें डे नेम दिखाने लगा साथ में, इस डेट की जो डे नेम है, और ये डेट जो है वो यहां से ले रहा है, ठीक है जी। बाकी जो डेटे हैं उसमें एक एक प्लस कर करके बनी, ठीक है जी। तो फरवरी में जो है वो आपका ऐसे आएगा, आप अगस्त में देखेंगे तो ये आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, तो नवंबर में आज क्या तारीख है, 29 और 29 2014, यहाँ सैटरडे क्यों आ रहा है, अच्छा अक्टूबर है, नवंबर नहीं है, तो अक्टूबर है तो हम 10 सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 29 तारीख को दिखा रहा है वेडनेसडे, ठीक है जी। वेडनेसडे दिखा रहा है, तो थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दूं, इसमें ज्यादा हो रहा है, 10 कर देंगे। तो इसमें इसने दिखा दिया मुझे सारा सही दिखा रहा है, आज बुधवार है, और अगले महीने का हर महीने में सैटरडे संडे भी चेंज होने लगे, ऊपर भी चेंज होने लगा, ठीक है जी। इसको मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, पहले ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब यहाँ बात आई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोई फॉर्मेटिंग होती है इसमें तो मैं गायब कर लेता हूँ, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अब मैंने काम करना है कि जहां पहली चीज जहां सैटरडे संडे हो वहां येलो कर दे, तो फॉर्मूला लगेगा सीधे सीधे, मैं इस पे लगाता हूं न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, ये जो सेल है हमारी D4 है, इक्वल टू D4। अब D4 में क्या है कि जब मैं इस फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ करूंगा तो इसकी जो है इसको ले रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये इक्वल टू सैटरडे है, इस तरह से चेक करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या ये इक्वल टू सैटरडे, ट्रू फॉल्स में होता है, तो ट्रू आए तो फॉर्मेट क्या करना है, ट्रू आए तो फॉर्मेट मैंने येलो करना है, ठीक है जी।
अगर सैटरडे है तो येलो कर दो। तो D4 जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो D4 से D5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 में देखेगा तो सैटरडे है नहीं, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे कुछ और है। तो 4 को लॉक करना है सीधी सीधी बात। कॉलम मैं चाहता हूं चेंज हो, क्योंकि जब मैं इधर लीप आपूर्ति करूं तो कॉलम तो चेंज होना चाहिए जिस कॉलम में एप्लीकेबल हो, जैसे D4 हो, E4 हो, F4 हो, इन पे चेक करें। तो इसलिए D के आगे मैंने वो नहीं लगाया, ठीक है जी। दूसरा सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे कंडीशन दो है हमारी, सैटरडे और संडे में। तो मैं और का फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे, कि या तो सैटरडे हो या फिर संडे हो, दोनों में से कोई भी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। और का फॉर्मूला लगा, दोनों में से कोई भी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और ऐसे फॉर्मेट कर देगा। ओके किया मैंने। अब ये फॉर्मेट पेंटर लेके मैंने क्या किया, नीचे तक यहां तक फॉर्मेट पेंट कर दिया, ठीक है। आ गया, यहाँ का कस्टम फॉर्मेट बिगड़ गया है, क्योंकि फॉर्मेट करते हैं तो हमारे नंबर फॉर्मेट भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ वापस क्या कर देता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाके रीडी कर देता हूँ, ठीक है। हो गया सही। अब देखिए कि इसको जैसे ही मैं बदल रहा हूँ, सही जा रहा है। एक मेरा 31 का बचा रह गया था, इसको भी कर देता हूँ, और इस पर भी कस्टम फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ था। मैं क्या करता हूँ, मैनेज रूल में चला जाता हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि एक एप्लीकेबल है AG10 तक एप्लीकेबल है, जबकि मुझे चाहिए AH तक, तो इसको AH तक कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एप्लीकेबिलिटी 31 तक की हो जाएगी, अप्लाई कर, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसमें बदल रहा हूं, जून सिलेक्ट किया वैसे हो गया, यहां खाली दिखा रहा है। फरवरी सिलेक्ट किया, फरवरी तक आ गया। सैटरडे संडे अपने आप हाईलाइट हो रहा है, कैलेंडर के फॉर्म में आने लगा। अब उसमें एक और चीज थी, ये जो मेरे बॉर्डर है वो भी नहीं आने चाहिए। तो इसमें रूल क्या लगा है कि अगर ये सेल इक्वल टू ब्लैंक हो तो कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, ये कौन सी सेल है, AF इक्वल टू AF है, ये है 4 4, अगर इक्वल टू ब्लैंक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ नहीं देंगे, और मैं ये भी चाहूंगा कि जब मैं नीचे तक अप्लाई करूं तो ये 4 नहीं चेंज होना चाहिए, पर कॉलम चेंज हो, क्योंकि ये मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं सब में। तो यहां एक डॉलर लगा दूंगा, और फॉर्मेट मैं मैंने क्या चूज करना है कि अगर ये ब्लैंक हो तो बॉर्डर में चला जाऊंगा। अभी इसमें क्या है कि इन डिसेबल टाइप के से दिखा रहा है, मैं क्या करूंगा, परमानेंटली डिसेबल कर दूंगा इसे, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। ओके करूंगा, ओके करूंगा, और फॉर्मेट प्रिंटर लेके इसको इस पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। अब कोई बॉर्डर नहीं है, जहां ब्लैंक आएगी ऊपर वाला तो यहां पे बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं करूंगा बॉर्डर बढ़ जा रहा है, और यहां पे वही पंगा है, नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम फॉर्मेट में जाके DD सेट कर देंगे तो ये दिखाने लगेगा, क्योंकि डेट बड़ी हो जाती है फिर दिखा नहीं पाता। अब मैं खाली डेट ही दिखाने का बोल रहा हूँ तो अब ये डेट दिखा रहा है मुझे, ठीक है जी। तो यहां मेरा काम हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो काफी हद तक ऑटोमेटिक लगता है ये सिस्टम, ठीक है जी। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ही है, ठीक है। एक और चीज कि जब आज की डेट हो ना, उसको कुछ स्पेशल दिखाए, जैसे करंट की डेट होती है तो उसको कुछ ऐसे, जैसे 11 9 अक्टूबर चल रहा है
तो 29 अक्टूबर को हाईलाइटेड दिखाना चाहिए, ठीक है जी, अलग से जब भी ये डेट हो। तो इसको कैसे करना है, इसको आपको शुरू से ही लगाना पड़ेगा इसमें, जब नीचे वाली सेल वैसा हो। मैनेज रूल में जाना है, मैंने न्यू रूल जाना है, यूज फॉर्मूला न्यू करके, और इसमें करना है कि जब, अब इसमें मैं डेट पे जाऊंगा, ऊपर में तो मैं खाली सैटरडे संडे चेक कराया था, ब्लैंक है कि नहीं चेक कराया था, अब इसमें मैं डेट चेक कराऊंगा, तो मुझे कौन सा चाहिए, D5 चाहिए। डी और फाइव फिक्स होना चाहिए, कॉलम घट पड़ सकता है, मतलब डी का ई बन सकता है, पर ये फाइव का सिक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू है किसके, टुडे एक फंक्शन होता है जो करंट की डेट देता है, आज की डेट के बराबर है, तो फॉर्मेट सेट करता हूं मैं कि फॉन्ट जो ये फिल जो रहेगा वो थोड़ा सा ये रहेगा, फॉन्ट जो रहेगा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, और जो बॉर्डर रहेगा वो अपना हम कर देते हैं थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये डैश्ड बॉर्डर करके कर देते हैं, डैश्ड बॉर्डर में दिखाएंगे इस तरह से दिखाएंगे, ओके कर देता हूं, अप्लाई किया मैंने। अब यहां पे था, मैंने इसको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करके पूरे में डाल दिया, डाल दिया, आज की डेट जो है अलग से दिखाने लगा, और यहां फिर से मुझे वही कस्टम फॉर्मेट वाला वो करना पड़ेगा, जाते भी, ठीक है। तो आज की डेट अलग तरीके से दिखाने लगा, जैसे ही आप अलग मंथ में चूज करते हैं, ये आज की डेट जहां भी होगी वो इसी तरीके से दिखाएगा, ठीक है। बोल्ड करके दिखाएं, तो ये हमने कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई की और अपना ऑलमोस्ट ये कैलेंडर वाला सिस्टम रेडी हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें फॉर्मूला फिक्स करने की, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूले कुछ बताए नहीं है, अभी मैं लगा देता हूं, पर ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप फॉर्मूला सीखेंगे तो इस तरह के फॉर्मूले भी लगाना सीख जाएंगे। अभी मैं वैसे दिखा देता हूं कि मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया, एक इंटरनेट से छुट्टी की एक लिस्ट डाउनलोड की है, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहां से डेट को, क्योंकि मेरा डेट से ही काम है, और इसका यहां पे जो है नाम दे दिया मैंने कुछ एच एल करके इसका नाम दे दिया, यहां ऊपर लिख दिया, एंटर किया। तो जब भी मैं क्या करता हूं, एच एल टाइप करता हूं, ठीक है जी, तो ये मेरा हिस्सा जो है अलग से हाइलाइटेड दिखाता है, एच एल का मतलब कि ये लिस्ट डेट की, ठीक है जी। तो ये जहां पे भी हो मतलब इनमें से कोई भी डेट उससे मैच करे तो एक अलग कलर में, ऑरेंज कलर में दिखा दे, ठीक है जी। तो जैसे अगर देखें 10 अक्टूबर मंथ में कहां है, 13 तारीख की, 16 तारीख की, ये एक्चुअल नहीं है जो भी डेट की है, ये मैंने खाली डेट चेंज करी है, एक्चुअल छुट्टी कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है। इसका अगर मैं दिन, अगर फिर ये सही सही निकाल लूं तो टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करके इनका दिन निकाल सकता हूं कि कौन सा दिन था, ठीक है, ताकि मुझे पता पड़ जाए, ठीक है। तो ये दिन पड़ा होगा उसमें, अक्टूबर में देख रहे हैं, एक मंडे को नहीं, एक थर्सडे, मंडे, थर्सडे, इन तारीख को छुट्टियां दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, डेट मिलाऊंगा खाली, ये डेट, इसीलिए मैंने इसका नाम जो है एचएल दिया, ठीक है, पूरी लिस्ट का। इसमें मैंने क्या करना है कि अगर ये डेट वहां पे हो तो इसको मैं चेक कैसे करूंगा, इसका मैं करूंगा इफ
नहीं, काउंट इफ, काउंट इफ का एक फॉर्मूला होता है जो कि काउंट करता है। रेंज जो है एच एल दे दी मैंने, जिसके अंदर सारी डेट है, और क्राइटेरिया में मैं ये वाली डेट दे देता हूं, ठीक है जी। अगर ये डेट उसमें है, यानी कि ग्रेटर देन, ये काउंट क्या करता है, काउंट करके बताता है कि ये डेट कितनी बार है, उसकी नंबरिंग दे देगा। तो अगर मैं वैसे देखूं तो ये बता रहा है जीरो, और इसी की जगह अगर 2 अक्टूबर जो कि वहां है वो कितनी बार है वो दे रहा है। तो मुझे सिंपल सा फंडा कि इसमें क्या अप्लाई करना है कि ये जो डेट है क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से बड़ी है तो मतलब ये डेट अवेलेबल है। सिंपल सा फंडा है, वैल्यू का पूरा लगाने की जरूरत नहीं, इससे काम हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स में मुझे रिजल्ट दे देगा, जहां ट्रू आएगा वहां कलर कराना है, ठीक है जी। इसमें लॉकिंग करनी पड़ेगी, देखिए जो नेम्ड लिस्ट मैंने बनाई है उसके लिए लॉक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक होती है, उसमें गड़बड़ नहीं होती। पर इसमें मुझे 5 को जो है बढ़ने से रोकना, ठीक है। कॉलम बढ़ सकता है, रो नहीं बढ़ा। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा फॉर्मूला। यहाँ पे जाता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ, यूज फॉर्मूला पे जाता हूँ, और ये पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैंने कहा कुछ ऑरेंज सा होना चाहिए, ऑरेंज, ठीक है जी, ओके। फॉर्मेट प्रिंटर से क्या करूंगा, अप्लाई, अप्लाई हो गया। जितनी छुट्टी थी ऑरेंज से दिखाने लगा, इनको वापस वही कर दूंगा अपना, तो मैं बार बार कर रहा हूँ। आप देखेंगे जो सरकारी छुट्टियां हैं वो इस तरह से अलग से हाईलाइट हो रही है। अब उन छुट्टियों को देखते हैं जो कि सैटरडे संडे वाले दिन पड़ रही है, जैसे 25 मई की जो है वो संडे वाले दिन पड़ रही है। मई कौन सा हो गया, 5वां महीना। तो ये देखिए इसमें ये लाल दिखा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि संडे तो वैसे ही छुट्टी रहती है तो अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, येलो ही रहना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपस में क्लैश कर रही है। तो मैं इसको कैसे मेंटेन करूंगा, यहां से मैनेज रूल में जाऊंगा और यहां से करंट सिलेक्शन की बजाय दिस वर्कशीट कर लूंगा। तो इसमें देख रहा हूं कि मेरे अलग अलग जितने भी है वो है, तो इसमें देख रहे हैं सबसे पहले कौन सी चल रही है प्रायोरिटी, जो सबसे ऊपर रहेगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो मैं नीचे वाली को लेके आके थोड़ा इसको नीचे ले आता हूं, क्योंकि टुडे की प्रायोरिटी मैं सबसे हाई रखना चाहता हूँ, नहीं हाई नहीं, टुडे की प्रायोरिटी भी लिस्ट करूंगा, सैटरडे संडे या छुट्टी वाले दिन ये भी ना दिखाए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी सैटरडे संडे की रहेगी, और दिखाएगा दिखाएगा, अगर सैटरडे संडे आ जाता है तो ये येलो कर देगा, अगर येलो नहीं होता है तो अगले पे जाएगा, तो इसको चेक करेगा अगर कंडीशन उसी पे फॉर्मेट करने की बात आ रही है तो, ठीक है जी। तो अगर हॉलीडे होगा, हॉलीडे फॉर मान लीजिए एक डेट को संडे भी है और आज भी संडे ही है और ये अपना हॉलीडे भी संडे को, तो उसमें प्रायोरिटी क्या लेगा, ये येलो दिखाएगा। अगर संडे नहीं होता इस दिन तो ये सरकारी छुट्टी होती तो ये दिखाता, और कुछ भी नहीं है तो टुडे दिखाएगा। इस तरह से इनकी प्रायोरिटी सेट हुई है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है जी। तो देखेंगे 25 तारीख को अब नहीं दिखा रहा है, सिंपल सा फंडा है, कोई हार्ड एंड कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है इसका, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट हमारा कैलेंडर सेट हो गया, आपको आज छुट्टी दिखाएगा जिस दिन छुट्टी होगी। ठीक है, तो जितने जो चीजें मैंने अप्लाई की हैं यही इफ के फॉर्मूले के अंदर डाल के मुझे क्या करनी है, अटेंडेंस बनानी है।
तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहां पे पी जब दिखाए, जब ऊपर वाली डेट जो ये वाली डेट है वो ऊपर वाले से बड़ी हो, ठीक है जी, तब दिखा। सिंपल सा फॉर्मूला, मान लीजिए जनवरी में चलते हैं, 7 जनवरी की ज्वाइनिंग, तो जब मैं 7 जनवरी पे आता हूं, मैं कहता हूं कि जब ये बड़ा हो तो यहां पे ब्लैंक कर दे, और नहीं तो इक्वल टू है, जो भी है, छोटा है या इक्वल टू है, तो पी दिखाए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं करूंगा क्या ये ग्रेटर देन ऊपर वाला। अब ये जब फॉर्मूला ड्रैग होगा तो इसमें मुझे लॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम जो है, जब मैं इधर ड्रैग करूं या नीचे ड्रैग करूं, तो ये कॉलम ना हिले, रो तो मूवमेंट करनी चाहिए, मैं कॉलम ना हिले इसके लिए कॉलम के आगे क्या लगा दूंगा, कॉलम लगा दूंगा। और इसमें मैं चाहता हूँ रो ना हिले, कॉलम बढ़ सकता है, तो रो के आगे डॉलर लगा दूंगा, ठीक है जी। कॉमा, अगर ये ट्रू होता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है, तो यहां ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज पी लिख दे, ठीक है जी। एक सिंपल सा फॉर्मूला, तो जब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा पीपीपी का जो सिस्टम है, और इसको नीचे भी ड्रैग कर देते हैं, तो कोई भी सिस्टम है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही स्टार्ट हो रही है, अटेंडेंस जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। ये 16 तारीख से हो रही है, ये 13 फरवरी है, तो फरवरी में जाएंगे तो फरवरी से आपको दिखाएंगे, 13 फरवरी से स्टार्ट हो, ठीक है जी। अभी मेरे को यहाँ पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी इस फॉर्मूले में, ताकि ये सब ना दिखाए, अभी काफी चीजें गड़बड़ दिखा रहे। अब मुझे क्या करना है कि इसको टुडे से ज्यादा जाने से रोकना है, कि आज की डेट से ज्यादा ना जाए, ठीक है जी। मतलब आज जो है अक्टूबर है, अभी क्या दिखा रहा है, आज की डेट पर तो दिखा ही रहा है, आगे भी दिखा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, रोकना है। तो इसी इफ के फॉर्मूले में, जहां मैंने पी लिखा था, एक और इफ लगा दूंगा, ऐसे कर करके ये मेरा फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। इफ ब्रैकेट ब्रैकेट में पहले ही देके चलूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये गड़बड़ करेगा। मैं क्या करूंगा इसमें, अगर ये जो ऊपर वाली डेट है वो बड़ी है टुडे से, टुडे का फॉर्मूला आज की डेट देता है, तो क्या करे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज पी फिल कर दे। अभी आपको कंडीशन भी समझने में दिक्कत हो रही होगी, धीरे धीरे ये समझ जाएंगे, ठीक है जी। अब मैंने ड्रैग किया इसको पूरे को, तो आप देख रहे हैं आज की डेट से ज्यादा की वो नहीं है। अब पता है क्या, सारा गायब हो गया, यहां तक आ रहा है, इसमें हमने क्या किया, लॉकिंग नहीं की। तो यहां पर टुडे में मैंने कहा था 5 को लॉक करना है, तो मैं 5 को लॉक कर देता हूं, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जो मेरा डेटा है वो थोड़ा सही दिखाएगा, ठीक है जी। तो आज की डेट से आगे नहीं बढ़ेगा, अब देखेंगे नवंबर में जाएंगे तो खाली मिलेगा, ठीक है जी। पीछे जाएंगे तो उनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से मिलेगा, जैसे 5 मार्च है, मार्च की अटेंडेंस है, ठीक है जी, फुल अटेंडेंस आपको दिखा रहा है। कोई भी कंडीशन जो बिल्ट कर रहा हूं मैं, प्रायोरिटी वाइज ही कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रायोरिटी जो हमने जैसा इसमें सेट किया है, कि जब ऐसा हो, अब ये चेक करेगा क्या उस दिन छुट्टी तो नहीं है, मतलब सैटरडे संडे है कि नहीं,
तो यहां जहां हमने p दिया है यहीं पे अपनी अगली कंडीशन करेंगे, इफ तो सैटरडे संडे का हमने करना था तो वो और के फॉर्मूले के थ्रू किया था ना, और के फॉर्मूले में दो कंडीशन दी थी, और के फॉर्मूले में कंडीशन क्या थी, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू सैटरडे है कॉमा ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू संडे है, इन दोनों में से कोई भी हो तो और का काम है कि वो ट्रू रिटर्न करेगा, इन दोनों में से कोई भी होती है क्या करेगा, ट्रू में क्या करेगा, पहले मुझे इसमें लॉकिंग की जरूरत है, मुझे क्या करना है रो लॉक करनी है, अभी नीचे इसको ड्रैग करूं तो चेंज हुआ, अगर ऐसा होता है तो यहां पे लिख दे डब्ल्यू को वीकली ऑफ अदरवाइज पी, अभी पी कर करके मैं खाली स्टॉप आपको दिखा रहा हूं कि किस किस तरह से ये आगे चल सकता है, तो अब मैंने फिट कर दी इसके अंदर वीकली ऑफ, इसी तरह मैंने क्या फिट करना है हॉलीडे, ठीक है हॉलीडे फिट करना है तो एच दिखाना है, तो यहां पे फिर वही वाला काउंटिप वाला फॉर्मूला, इफ ब्रैकेटों का ध्यान रखेंगे कि हर एक के ब्रैकेट पूरी तरह से बंद हो रहे हैं कि नहीं, पैरामीटर पूरे हो रहे हैं कि नहीं, काउंट इफ काउंट इफ पूरी तरह से काउंट इफ में मैंने कर दिया वही एच एल डी और एच एल में क्राइटेरिया क्या था, ऊपर वाली डेट थी ये वाली, ठीक है जी, इसमें भी मैंने रो लॉक करनी थी और मैंने कंडीशन दी थी अगर ये काउंट इफ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पे क्या आ जाएगा एच अदरवाइज पी कर देते हैं, तो इसको ड्रैग करके देखते हैं सही आ रहा है, देख रहे हैं कि यहां पे एच आ चुका है जो ऑरेंज वाले कॉलम पे वहां एच आ चुका है, ठीक है जी, यहां पे देखिए शुरुआत ही नहीं करेगा वीकली ऑफ वगैरह या हॉलीडे कुछ नहीं दिखाएगा अगर इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये नहीं है तो उसके बाद ही सब कुछ दिखाएगा इसमें, ठीक है जी, और कब तक दिखाएगा ये टुडे तक दिखाएगा, तो जैसे मैं अक्टूबर सिलेक्ट करता हूं तो आज तक दिखा रहा है, तो आपका अटेंडेंस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसमें हमें चाहिए क्या, अब क्या है कि बाकी छुट्टियां तो ऑटोमेटिक ले ली, एक जो इम्प्लॉई अपने आप लीव लेता है एप्लीकेशन लिख के या वैसे, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे हम, हमने एक और शीट बनाई है अपने पास जिसमें हमने उसकी इम्प्लॉई आईडी जो है वो डेटा वैलिडेशन में डलवा दी है, ठीक है जी, यहां से इम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करेंगे आगे जैसे यहां से तो उसका नाम आ जाएगा, यहाँ मैंने वीलुकअप का फॉर्मूला लगा दिया है जिसके थ्रू वो नाम उठा रहा है, और दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है जो कि इसको दोनों को कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को डेट डालनी पड़ेगी, मान लीजिए ये बंदा लेता है छुट्टी कब लेता है 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को इसने छुट्टी दी, तो इसमें मैं डाल दूंगा 23 अक्टूबर की डेट, ठीक है जी, यहां पे एक कॉम्बिनेशन आ रहा है ऑलमोस्ट मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है जी, इसमें है क्या इफ का एक फॉर्मूला है जो कह रहा है कि D9 अगर ब्लैंक है, ठीक है D9 अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो दोनों को कंकैटिनेट कर दे, मतलब इसको और आईडी को मिला दे,
नहीं, इसको और डेट को मिला दो साथ में, तो एक यूनिक आईडी तैयार हो रही है। किस चीज की? एम्प्लॉय आईडी प्लस डेट, मतलब वो किस लिए? एम्प्लॉय आईडी को यहां से पकड़ूंगा और डेट को यहां से पकड़ूंगा, ठीक है जी, दोनों को ऐसा ट्रैक करता चला जाऊंगा ताकि वो वही आईडी जनरेट कराए, ठीक है जी, जो कि इसमें है। और उसको गेट करने के लिए फॉर्मूला वही है, काउंट इफ वाला भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, या वी लुकअप से कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूं, यहां जो मैंने पी दिया था लास्ट में, इफ सबसे पहले मुझे उसके रेंज बढ़ाने की भी जरूरत है, यहां से या तो मैं रेंज बना लूं उसकी, क्योंकि मुझे इससे मतलब है खाली, ठीक है जी, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें, इसकी मैं पूरे को ही करके इसमें मैं कर देता हूं LVREC, लीव रिकॉर्ड कर देता हूं इसका नाम पूरे का, ठीक है जी, LVREC नाम कर देता हूं इसका लिस्ट का। तो इसमें दो चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि तो कई बार क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो भी ब्लैंक नहीं मिलेगा, ठीक है सही चलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पी में आ जाता हूँ, इफ का फॉर्मूला शुरू करूंगा, इफ के अंदर वही काउंट इफ कर दूंगा, काउंट इफ, इसमें मैंने किया था LVREC, ये और क्राइटेरिया क्या देना है मैंने, एम्प्लॉय आईडी है पहले, यानी कि ये, और कंकैटिनेशन हुआ है ऊपर वाली डेट से, ठीक है जी। एक में मुझे कॉलम लॉक करना है, एम्प्लॉय आईडी का जो है कॉलम लॉक करना है, और जो ऊपर की डेट है उसकी रो लॉक करनी है, तो ये कॉम्बिनेशन देखेगा कि लीव रिकॉर्ड में है कि नहीं, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, तो क्या करें, ये यहां पे एल लिख दे, अदरवाइज पी कर दे, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देते हैं पूरे को यहां, ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं यहां पे लीव आ चुकी है, ठीक है जी। अब लीव जब लग चुकी है इसमें, तो हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ऐड कर देते हैं कि अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू एल है तो उसको कुछ अलग कलर करवा देंगे। तो न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला सिलेक्ट, पहले मैंने वहां कर दिया, और मैं करूंगा यहाँ जो सेल है वो है इक्वल टू B6 इक्वल टू, अगर एल है, ये अगर ट्रू आ जाता है तो फॉर्मेट करवा दूंगा रेड से, फॉन्ट करवा दूंगा बोल्ड, ओके ओके। इसमें मैं लॉकिंग नहीं करूंगा क्योंकि हर एक सेल रेफरेंस को उसी की खुद की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं चाहता हूं ड्रैग वगैरह हो उसमें, तो देख रहे हैं ये आ रहा है, ठीक है जी। आप अब इसको बदल बदल के देख सकते हैं, जिस जिसकी जो जो लीव रही है उसकी लीव आ रही है, ठीक है जी, जिसकी जो लीव इसमें चढ़ी होगी वो आ रही है। इसमें मैंने कंकैटिनेशन किया है, इसमें सिंपल डेट डाली है, यहाँ पे मैंने एक डेटा वैलिडेशन में उसका क्या है EID नाम से इसको बना दिया था, इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका नाम यहाँ से EID चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब इस EID को मैंने क्या किया, यहाँ गया और सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन लगा के यहाँ इक्वल टू EID दिया था लिस्ट में, ठीक है जी, तो इक्वल टू EID का मतलब हो गया वो रेंज पूरी पूरी, वो रेंज का मतलब वो सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी आ गई। दूसरा मैंने क्या किया था, यहाँ अगर कोई मैं एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूँ,
तो उसका नाम आ जाए। क्या कर रखा है, सिंपल VLOOKUP का मेथड यूज कर रखा है। VLOOKUP अगर आपको आता है तो यूज कर सकते हैं इसको। इफ एरर भी डाल रखा है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि तो फॉर्मूला मैंने बहुत नीचे तक लगा रखा है, कोई वैल्यू अगर यहाँ नहीं होती है, इसी के बेस पे करवा रहा हूँ, तो ये एरर दिखाता है। तो इफ एरर का फॉर्मूला एरर नहीं रहने देता, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी छुट्टी वगैरह दे सकते हैं उनकी, छुट्टी मैं कर देता हूँ 24 अक्टूबर कर देता हूँ इसकी, 24 अक्टूबर 14। जैसे ही यहाँ वैल्यू डलेगी, यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट कर देगा फॉर्मूला पड़ा हुआ। चाहे तो इसको हाइड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं। तो आपका जो इंटरफेस रहेगा, यहाँ से आपको एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करनी है, नाम अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे खाली उसकी लीव की डेट डालनी है। तो आपका कई सालों का डेटा इसके अंदर मेंटेन होता है। अब देख रहे हैं कि ये हरीश की ये आ चुकी है लीव, ठीक है। तो ये है हमारा होल प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसकी मैं आपको फाइल मेल कर देता हूँ, तो मैंने अभी बनाया है, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। इसको बना बना के फॉर्मूले को देखिए कि क्या क्या लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग देखिए ताकि ये समझ आ सके। इसको बस आपने फॉलो करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये लॉजिक अभी आपके लिए बहुत ईजी है। इसको फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे 3 बार 4 बार सब समझ जाएंगे, ठीक है जी। सॉरी सर, थोड़ा लेट आने के लिए, एक बार ये मंथ ईयर वाला है थोड़ा सा बता देंगे शुरू में, जो ये मतलब कैसे करा है वैलिडेट, और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की सेटिंग कैसे आई है? कौन सी वाली सर, जैसे ये मंथ ईयर और ये जैसे अपने आप चेंज हो रहे थे थर्सडे फ्राइडे, ये कैसे आई है? अच्छा, ये वाली। इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ किया, आपने शायद इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं देख ली। इसमें नहीं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो देख ली सर, सारी देख ली थी। हाँ जी, हाँ जी, सारी देख रही थी, बस यही चीज रह गई थी। आप मेरे सामने ये 0 1 2 मतलब जो डेट्स डाली हैं, DDD, ये वो मेरे फॉर्मूले सामने डाली थी, बस एक वही नहीं समझ में आया सर, बस मतलब एग्जाम में था लेट आज ज्वाइन करा, सॉरी उसके लिए। अच्छा, वैसे ये रिकॉर्डिंग में है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग